अल्लाह रहमान रहीम। टेक्नोलॉजी कॉलेज मुल्तान से यहाँ तक नहीं पूरे पंजाब में आज हमारा एहतजाज हो रहा है और इंशाल्लाह ये एहतजाज जारी रहेगा उस वक्त तक जब ये टैबटा, मैं तो इसे क्या कहूँ, इसे ख़त्म ही हो जाना चाहिए तो सबसे बेहतर है। जिस तरह टेक्निकल एजुकेशन पहले था उसी तरह हो जाए तो सबसे बेहतर है। हमारा ये भी मुतालबा है कि ये हमेशा जितने भी मुलाजमीन इन्होंने रखे हैं उनको जच्च और जलील कर देते हैं। ये जो इनके मुलाजमीन सेक्रेटरीट में बैठे हैं उन्हें तो इन्होंने सारे अलाउंस दे दिए, लेकिन जो हमारे मुलाजमीन फील्ड में काम कर रहे हैं उनको ये 25% नहीं दे रहे। 2021 से वो ये गवर्नमेंट ने दिया है, हम ले रहे हैं जितने गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, और जितने टैबटा मुलाजिम हैं उनको किसी को नहीं मिल रहा। तो हमने ये जंग इसलिए जारी किया है कि इनको फौरी तौर पर 25% और 15% जारी किया जाए। अगर ये जब तक जारी नहीं होगा, ये हड़ताल, ये धरने, ये क्लासों का बायकॉट जारी रहेगा। हमने एक ग्रैंड अलायंस बनाया है जो पूरे पंजाब में काम कर रहा है, जिसमें टीचिंग स्टाफ भी है, टेक्निकल स्टाफ भी है और एप का भी है। इन्होंने मिलके ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के प्लेटफार्म पे एक ग्रैंड अलायंस हमने तश्कील दिया है, जिसका मैं पूरे पंजाब का चेयरमैन हूँ। और मैं अपने चेयरमैन के हवाले से तमाम दोस्तों को ये बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह जब तक हमें 25% नहीं मिलेगा ये एहतजाज जारी रहेगा।